मध्य प्रदेश मीडिया संघ छिंदवाड़ा के द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को जिला स्तरीय कोरोना योद्धा कार्यक्रम का आयोजन को लेकर आवश्यक बैठक स्थानीय पूजा लॉन्च छिंदवाड़ा में आयोजित हुई, जिस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में जो मानव धर्म करने वाले समाज सेवी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस प्राकृतिक आपदा कोरोना के दौरान अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आम नागरिकों तक अखबार चैनल आदि से सूचना पहुंचाने वाले पत्रकार साथियों का इसमें समावेश है। सामाजिक क्षेत्र में जनसेवा करने वाले संगठन ने संकट काल में समाज के देश के हित में काम आए ऐसे भागीरथों का हौसला बुलंद हो तथा जिससे आमजन भी प्रेरणा लेकर नरसेवा ही नारायण सेवा होती है, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण शरण श्रीवास्तव सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्य प्रदेश शासन एवं प्रकाश सिंह उइके न्यायाधीश डॉक्टर के एस बजाज सेवानिवृत्त बीएमओ रामराव महाले पूर्व विधायक एवं महिला अनाथ आश्रम संचालक के द्वारा समाज सेवियों को मोमेंटो शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने में मुख्य रूप से सहयोग संचालक किशोर मिगलानी के सहयोग द्वारा वृक्षारोपण करने पौधा का वितरण किया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी ने चर्चा के दौरान कहा कि जो बीते लगभग 3 साल से कोरोना काल में समाज सेवी को 3 तारीख रविवार को पत्रकार सम्मेलन आयोजन छिंदवाड़ा पूजा लॉन में सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज सेवियों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश मीडिया संघ के मार्गदर्शक समाज सेवी ललित तिवारी, तहसील अध्यक्ष रमेश पातुरकर, संभागीय अध्यक्ष राजू बनायत, जिला प्रभारी मनीष साहू, जिला कार्यकारिणी सदस्य अजित पांडे, ललित तिवारी, अमित सोनी, हरिओम नेमा, संदेश नागवंशी, राजेश उइके, संतोष कुमार, श्रवण कामरे, हेमराज मांडेकर समेत पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। मीडिया संघ के द्वारा आगामी 3 अक्टूबर को एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन के रूप में रखा गया है, जिसमें कोरोना योद्धा के रूप में जिन लोगों ने कोरोना संकट में जो काम किया है उन लोगों को और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा और सभी पत्रकार बंधु से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हों। चरई विधानसभा से BCN न्यूज़ के लिए राजेश उइके की रिपोर्ट।